अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और ये बना गाड़ियां बीच में सारी है। आके रोड़ी बना देने आ रहा हूँ। डबरन के ब्रिज है ये फोकट, इसमें इतना माल खा गए बिगर गिनती का, जो इंच है एक साल के अंदर ही रोड उखड़ रही है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। क्या नाम तो, क्या नाम बनाया, वो भी इतना बेकार बनाया है कि साले एक तो खड़ी चढ़ाई, उसके बाद साला कूदती हुई गाड़ी जाए। तो क्या मानते हो कि किस तरह से यहाँ पे जो गड्ढे हो रहे हैं और कहीं लापरवाही है यहाँ पे? बहुत बहुत ज्यादा लापरवाही है, इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चे घूमते हैं शाम को पैदल भी घूमते हैं यहाँ पे, और बहुत नुकसान होता है। फिर जो विरोध प्रदर्शन करा है और बेशम के पेड़ लगाए, किसे लगाए और क्या पूरा मामला है? आज हमारे द्वारा मेंटी ओवर ब्रिज पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे जहाँ पे देख सकते हैं आपकी सरिया बाहर निकल रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ गिर रही हैं, बुजुर्गों को निकलने में समस्या आ रही है। और यह ब्रिज बना है लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इसका लोकार्पण किया गया था, जिसके बाद से 4 या 6 महीने बाद ही ये खुदना चालू हुआ था। हमने शिकायत जब से 4 या 5 बार शिकायत कर चुके हैं रेलवे विभाग को, सेतु विभाग को, कलेक्टर साहब को, परंतु ये वो लोग आते हैं इस पे ठेकड़े लगाते हैं, इसे बोलते हैं ना टायर को पंचर बनाना, इस टाइप से टायर को पंचर बनाते हैं, जिसके बाद 4 दिन बाद वो रोड वापस ये ब्रिज जैसा कैसा खुदा हुआ मिलता है। और आज इस कदर से खुद चुका है कि अगर ये और बढ़ता गया तो ये ब्रिज गिरने की भी संभावना है।
ये काम हुआ है, पूरा गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है। हमारे द्वारा शिकायत की गई थी, मांग भी की गई थी कि उक्त जो अधिकारी थे उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया। अच्छा, बेशरम के पेड़ लगाए गए? बेशरम के पेड़ हमने सेतु निगम और BW विभाग जिनके द्वारा यह ब्रिज बनाया गया है उनको शर्म आए कि ये ब्रिज इतनी जल्दी कैसे खुदा है, इसके लिए हमने प्रदर्शन किया है ताकि जल्द से जल्द इस ब्रिज को पुनः निर्माण किया जाए जहाँ जहाँ से खुद रहा है पूरा। कितने वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ? 1.5 वर्ष हुआ है लगभग इसका, और करोड़ों की लागत से यह ब्रिज बनाया गया था। कई वर्षों से हम लोगों की मांग थी, उसके बाद यह ब्रिज बनाया गया था, परंतु ये गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है, इसके लिए हमने आज प्रदर्शन किया है। अगर जल्द से जल्द सेतु विभाग और BW विभाग द्वारा इसमें जाँच नहीं की गई है और निर्णय नहीं लिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। आपका नाम? राहुल पवार, पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि नगर निगम देवास।